हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे में स्वस्थ हैं। देखिए, आज का न्यू ब्लॉग है। अभी सुबह हो गई है, 7 बज गया है। अभी मेरी मम्मी मेरे पापा कॉल किए हैं बारी से, तो अभी जा रहे हैं बारी मक्का बुनने के लिए। मैं खाना बना रही थी, मम्मी पापा भाई सुबह में ही गए थे बारी, तो मेरा खाना बनाया हुआ हो गया, तो मेरे पापा कॉल करके बुला रहे हैं, मैं अभी जा रही हूँ। देखिए, हेलो दोस्तों, देखिए मैं घर से आ गई, बीच रास्ते में है अभी। देखिए, अपना गांव से निकले हुए हैं टोला से। मेरे पापा कॉल किए कब का बीज गिराएगी और मैं यूरिया। देखिए, सभी लोग अपना अपना बारी में भी लगा हुआ है। घर देखिए, घर से काफ़ी दूर आ गए, दौड़े दौड़े आ रहे हैं जल्दी से। धूप भी हो गया, सभी को मक्का बुन रहे हैं क्योंकि एक सप्ताह 4-5 दिन बारिश आई तो बारी को जोता हुआ पूरा भींग गया। गीला होने की वजह से अभी नहीं मक्का लगाए क्योंकि मिट्टी तो गीला हो गया। अभी मिट्टी में हवा लगा, सूख गया है, तो अभी मक्का बुनने के लिए आए हैं। देखिए, मेरे पापा मम्मी बैठे हुए हैं, वेट कर रहे, जल्दी से पहुंचते हैं। देखिए दोस्तों, बारी पहुंच गए हैं, सभी को अपना अपना बारी में हल लगा रहे हैं। मम्मी पापा है, देखिए मेरे पापा हल लगा रहे हैं। तो कद्दू नाम बुन भी पापा भी है, धूप पूरा उग गया। देखिए मेरे पापा हल लगा रहे हैं, हीरा और मोती चल रहा है। देखिए इतना बड़ा दोस्तों, मम्मी भी मक्का बोल रही है ना, तो ऊपर है मगर देखिए मक्का। अब मैं डीएपी गिराएंगे। देखिए आ गए मैं अपना बारी में, कितना प्यारा लग रहा है। देखिए पूरा जोत लिए हैं, एक ऊपर में बारी है, देखिए वहाँ भी जोता हुआ है। अभी आज लगाना है किसी तरह। देखिए डीएपी ला रखा है। देखिए दोस्तों गिरा, डीएपी गिरा रहे हैं। लोग एक बारी बुन लिए प्रमक का। देखिए पापा अगले वाला बारी में जा रहे हैं। देखिए ऊपर वाला में हल लेके और हम सल्फेट गिरा लिए। देखिए इतना सारा, इतना बड़ा बारी को हम लोग मक्का लगा लिए, अब दोहराना बाकी है। ले जाते हैं डीएपी। देखिए अब ऊपर वाला बारी में जा रहे हैं, आप लोग सपोर्ट कीजिए प्लीज़। देखिए सभी को अपना अपना बारी में मक्का लगा रही है। यहाँ वाला बारी छोटा है हम लोग का। देखिए यहाँ से लेके पापा वहाँ से आ रहे हैं। हम लोग किसान हैं, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। अभी देखिए एक एक करके आते हैं पापा। अरे गुड़िया से बोलो किराए के लो बाबरी। देखिए यहाँ पे हम लोग को कुआं भी है, इससे हम लोग सिंचाई करते हैं। देखिए दोस्तों इधर हल्दी लगाए हैं हम लोग आधा साइड में। कुआं हम लोग के देखिए दादाजी कोड़ा दिए हैं, इतना बड़ा, इसी से सिंचाई करते हैं। दोस्तों देखिए फाइनली हम लोग का मक्का बुना हुआ हो गया, अभी आराम कर रहे हैं। देखिए
मेरा हीरा और मोती खड़ा है। मेरे पापा नीचे से अभी लाने गए हैं कोड़ी, साइड साइड में हल नहीं लगता है, उधर कोड़ी से दे देंगे और डोहरा से डोहराएंगे भी, मतलब प्लेन करते हैं हम लोग, डोहरा बोलते हैं। देखिए ला रहे हैं डोहरा से प्लेन। देखिए हम लोग बारी के बगल में एसटी लोग पूरा नीचे जात में है, बिल्होर लोग रहते हैं। देखिए बाउंड्री के साइड में हम लोग को बारी को रक्षा भी करता है, खाता भी है सब। पूरा मिट्टी गिल्ला गिल्ला है, इसी तरह बूंद दे रहे हैं क्योंकि पानी आने का संभावना है। देखिए दोस्तों बैल थक गया है, अभी एक बैल बैठ गया था पूरा। देखिए दो बारी को जोतना, फिर बीज लगाना, फिर उसके बाद दोहराना, तो ये थक गया। देखिए हम लोग का पूरा व्यू कितना अच्छा लग रहा है बारी का। देखिए इतना मेहनत करने पे हल्दी इतना ही सा निकला, इस बार हुआ नहीं, मेहनत बेकार चला गया। देखिए इतना सारा हल्दी लगाए थे, हल्दी नहीं निकला, सब मिट्टी के अंदर ही सड़ गया। 1 से 2 केजी निकला होगा। देखिए पापा मम्मी हम लोग अभी बीज बोने लगे, मक्का लगा देने लगे हल्दी को कोड़ के, क्योंकि पड़ती रहने से क्या फ़ायदा। मम्मी मक्का गिरा रही है, मैं सल्फेट गिरा रही हूँ उरिया, और पापा हल जोत रहे हैं। देखिए हीरा मोती कितना सुंदर से बारी बारी करके चल रहे हैं। बुना हुआ हो गया, पापा दोहराएंगे, मेरा काम ख़त्म हो गया, अब मैं घर जा रही हूँ। देखिए इतना सारा हल्दी निकला, देखिए इतना सारा मेहनत करने के बावजूद सारा हल्दी मर गया था, ज़्यादा हल्दी नहीं निकला, मेहनत का भी फल नहीं मिला हम लोग को। धूप बरसात एक करते हैं किसान लोग। देखिए बैल लोग को भी लाए हैं। देखिए इतना कड़ी धूप में हम लोग मेहनत करते हैं सभी को। प्लीज़ मेरा वीडियो देख के आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा। अब मैं घर जा रही हूँ, 10 बज गई है, पापा मम्मी पीछे से आएंगे, हम कुछ सामान है ले जाएंगे और यह मक्का दिए भी। तो देखिए मैं निकल गई बारी से, अब मैं जा रही हूँ घर। देखिए मैं झोला पोथी ले ली हूँ, लाए थे पापा के पानी, यूरिया, मक्का, ये सता घंघरी। अब बारी से मैं निकल गई, देखिए पापा मम्मी लोग है ही है बारी में भी। बहुत धूप हो गया है क्योंकि घर में बकरी भी एकदम बकरी चिल्लाती होगी, क्योंकि भूख भी लगा होगा उन लोग को। अभी मार पिलाएंगे, खाना का जो मार निकलता है वो, और अभी बकरी को खोलना है। 1 घंटा सुबह सुबह मैं खोल देती हूँ। हरा हरा घास निकला हुआ है, देखिए यही सब चरता है। पहुँचने में मुझे 10 मिनट लगेगी, अब मैं जाती हूँ पैदल। देखिए खेत भी जोत दिए हैं पापा, देखिए इतना बड़ा है खेत हम लोग का। यहाँ पे ईटा भाटा दिए थे हम लोग, अब सब ईटा ले गए तो खाली पड़ गया, तब इनमें रोपा रोपेंगे, इसलिए हल लगा दिए हैं। मैं एक किसान की बेटी हूँ, बहुत मेहनत करती हूँ वीडियो बनाने में। लोग बहुत कुछ तरह तरह के बोलते हैं, फिर भी मैं चोरी छुपे बनाती हूँ देखते हैं कोई नहीं है तो मैं वीडियो बनाने लगती हूँ, क्योंकि सभी को अपने अपने भाषा में कुछ अलग ही बोलने लगते हैं, सबका सोच अलग रहता है, इसीलिए कभी कभी मैं वीडियो बना के अपलोड करती हूँ। आप लोग को प्यार सपोर्ट से मैं आगे बढ़ूँगी। देखिए मैं कच्चिया रोड से आ रही हूँ, मेरा घर देखिए काफ़ी दूर है, अभी उतना दूर मैं पैदल जाऊंगी। वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा। आज के वीडियो मैं यहीं तक अंत करती हूँ। आई होप कि मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। मेरा वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। किसान की मैं बेटी हूँ, गरीब की आप लोग साथ दीजिए।
अगले नेक्स्ट ब्लॉग पे मिलते हैं आप सभी से।